कहाँ से आए हो? अच्छा, क्या परेशानी है बहन? मेरे दर्द होता है, मेरे को परेशानी। कितने समय से? ओहो, डॉक्टर ने क्या बताया आपको? वही कभी कुछ बता देते, कभी कुछ। तुझे क्या बताया है ना, कभी कुछ बता देता। तुझे क्या बता रहे हैं गठिया भाई? बताइए, कब से बताई गठिया भाई है? अभी 10-15 साल से तू लगातार इलाज करा रही है। तेरा इलाज में कुछ पैसा भी लग रहा है, तू फ्री में इलाज करा रही है कहीं से? क्यों, मोहल्ला क्लिनिक दुनिया भर के, फिर कहाँ पैसा लगता है? नहीं, तो केजरीवाल जी ने इतनी सुविधा डॉक्टर के पास भागते हैं। किसके पास भागते हैं? अच्छा, दर्द होता है तो डॉक्टर के पास भागते हैं। तो कहाँ दर्द होता है, घुटने में? क्या कहते हैं डॉक्टर आपके घुटने के? अच्छा, बजाज को भी दिखाया तो दर्द ही बता रहे थे। बजाज कौन है? पंखा? अच्छा, डॉक्टर बजाज कहाँ रहते हैं भाई? बजाज तो पंखे के नाम से प्रसिद्ध है ना हमारे यहाँ तो। अच्छा, क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? वो एक मेरे को नस दबी बताई थी कभी। हाँ, पैरों में नहीं तो नस दबी है तो घुटनों में दर्द होगा या कहीं और भी दर्द होता है? ये यहाँ से पूरा अकड़ जाती है मेरी ये। अकड़ा? हाँ, ये सारी कमर से लेके यहाँ तक। तो ये तो साइटिका का दर्द होता है। आपको दवाई दी डॉक्टर ने? हर रोज होता है? खड़े खड़े दर्द होता है आपको? ज्यादा देर खड़े रहने से दर्द होता है? पैर सुन होता है, फटने जैसा होता है? ये तो साइटिका का दर्द है, इसमें हमारा का है। क्या आराम पड़ रहा है बताइए? देखिए घुटने में अभी दर्द है क्या? हाँ, कितना कम हो गया? काफी कम है, तो फिर तो सारा ही ठीक हो जाएगा। बोलो जय श्री जी। कौन आया है तेरे साथ? हंस के क्या बताना? हस्बैंड एक सीरियस चीज है। मैं यहाँ से बहुत ठीक हो गई, मैं 17-18 साल से भी घूम रही हूँ। तो क्या ठीक हुआ आपका? मेरे बहुत, मैं ऐसी, अरे बहुत बहुत क्या, सारे बदन में इतना दर्द था कि अच्छा, मतलब ये लगता था कि मैं बस मरेगी। हाँ, फिर जी गई। हाँ, मनु भैया के पास आके आपने जिया लिया। अच्छा अच्छा, फिर डॉक्टरों से दवाई खा रही थी? अरे भाई, तू इसका कहीं इलाज करा भी रहा था कि नहीं? नहीं, इलाज तो एक बोरा दवाई खा ली। सरकारी वाली, प्राइवेट वाली? जब से यहाँ आई है दवाई नहीं ले रही है। तालियां हो जाए। कितना झूठा है ये आदमी, मुझे समझ में। सच में इतनी फाइलें लगी रही, 3 बार तो पूरी बॉडी का चेकअप हो गया और आज तक चेकअप में कुछ नहीं निकला, कुछ भी नहीं निकला। अल्ट्रासाउंड 4 बार हो गया, कमर का इलाज हो गया। अब बहुत सारे लोग देख रहे हैं आपको और आपकी 20 साल पुरानी बीमारी है, आप हंस रहे हैं, तो अभी हमारे भक्तों को क्या कहोगे? भक्त पूछ रहे हैं, भक्तों को क्या कहोगे? मन्नू भैया जैसा धाम कहीं भी नहीं है पूरी संसार में, सब मालिश इनकी हो रही है। सारे संसार को यहीं बुला लो, हाँ जी, अपने हाथ से मालिश कर रहे हैं। ठीक है, बढ़िया, मालिश वाला संसार को मिल गया भाई। अपनी बहनों की वो कर रहे हैं बच्चा। हाँ, अपने आदमी से तुझसे तेल नहीं लगाया गया, मुझे नौकर मान लिया तूने। अब हंस भी रही है, अब शर्मा भी रही है, मुस्कुरा भी रही है। अब स्किन वाले डॉक्टर का नींद उड़ जाएगा, अब सोचेगा मेरा पेशेंट तो सारा ठीक हो जाएगा, अब मेरा क्या होगा? नहीं, ये तो घुटने के दर्द वाले हैं, ये घुटने स्किन वाले आएंगे। स्किन वाले कम से कम 90% लोग यहाँ ठीक होके जाएंगे। जिनको हम एक बार अपने हाथ से तेल लगा देंगे 3 दिन तक, वो आदमी ये समझो 90% ठीक हो गया एकदम से। ठीक है, तो स्किन वाले जितने भी, जिनको घाव है, फोड़े हैं, वो आ सकते हैं मेरे पास, मनु भैया के पास, और अपना इलाज करा सकते हैं। हाँ, तो काले भी गोरे हो सकते हैं क्या उसमें? हाँ जी बिल्कुल, आपको मैं 2 बार तेल लगाऊंगा सरसों का, आप और काले हो जाएंगे। अभी एक काली महिला है हमारे मोहल्ले में और वो बहुत परेशान है। नहीं, गोरे काले भी होते हैं ना, तो आपको तेल लगाऊंगा आप काले हो जाएंगे। मैं तो मंजूर है, मैं तो आपका ही सेवक हूँ। तो भाई सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और शेयर करो, और लाल लोग जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं ये भी तो बता दीजिए। ऐसे ही सब्सक्राइब कर दो तो जुड़े तो सही भाई लोग, लोगों को पता ही नहीं चल रहा हम लाइव किस चैनल पे आ रहे हैं। GNN न्यूज एजेंसी। चलिए बहन जी, खड़े होके चल के देखिए, चलिए चलो। देखा, पैर झटकने से भी अब दर्द नहीं हो रहा बहन जी को, 20 साल पुरानी बीमारी हो गई, समाप्त है। दोनों हाथ ऊपर करके जय शनिदेव बोलो, परम पूज्य मनु भैया जी की जय। दिखाओ किस प्रकार से चल रहे थे अभी आप? महाराज जी, अब आप खुश हैं? चलिए,
देखिए भक्तों किस प्रकार से यहाँ पर इलाज हो गया है और परम पूज्य मनोहर जी चाय पी रहे हैं।